आतंक को फिर एक बार आज सुबह एक बड़ी चोट दी गई है। जी हाँ, ये चोट जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा दी गई है। अभी बीते दिनों पहले भी जम्मू कश्मीर से टारगेट किलिंग का मामला सामने आया था, जिसने फिर एक बार सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। तो आइए जानते हैं कैसे दी गई आतंक को चोट जो कर रहा था पाकिस्तान को सपोर्ट। नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने टारगेट इकोसिस्टम यानी आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित पाए जाने पर बिट्टा कराटे की पत्नी सैयद सलाउद्दीन के बेटे समेत चार सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इन पर आतंकियों से संबंध रखने के आरोप हैं, इसलिए सेवा से निकाला गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिसे शॉर्ट में JKLF कहा जाता है, के टॉप आतंकवादी फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे की पत्नी असबा आरजुमंद खां, जो साल 2011 बैच की JKAS अधिकारी है, इसके अलावा मोहित अहमद भट्ट कश्मीर विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक डी के तौर पर पोस्टेड था, माजिद हुसैन कादरी कश्मीर विश्वविद्यालय में वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर और सैयद सलाउद्दीन का बेटा सैयद अब्दुल मुईद IT JKED में मैनेजर था। इन सभी को संविधान के अनुच्छेद 311 को लागू करके हटाया गया है। उल्लेखनीय है कि जब हमने इस मामले को और गहराई से जानने की कोशिश की तो पाया कि कार्रवाई की सूची में सबसे ऊपर बिट्टा कराटे की पत्नी असबा का नाम है। बिट्टा के आतंकवादी संगठनों समेत ISI के साथ गहरे संबंध हैं और कट्टर अलगाववादी नेता है। कराटे के ट्रायल के दौरान पत्नी असबा चर्चा में आई थी। असबा को पहली बार साल 2003 में शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर में नौकरी मिली थी। उनकी नियुक्ति कथित तौर पर बैकडोर से हुई थी। यह भी पता चला है कि साल 2003 से साल 2007 के बीच वे महीनों तक ड्यूटी पर नहीं पहुंची और अनुपस्थित रहीं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंत में असबा को अगस्त 2007 में बर्खास्त कर दिया गया था। फिर असबा ने साल 2011 में JKAS की परीक्षा पास की और कुछ महीनों बाद ही बिट्टा कराटे से शादी कर ली। आपका उपराज्यपाल के इस फैसले पर क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, अब दीजिए इजाजत, देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।